रहता खबरदार न्यूज में हूँ आपके साथ कंचन। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मंगलवार को चौथा दिन है। राहुल गांधी उज्जैन में खुली जीप में रोड शो कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए। महाकाल के दर्शन करते समय उनके साथ कमलनाथ, जीतू पटवारी और विधायक महेश परमार एवं रामलाल मालवीय नजर आए। महाकाल दर्शन करने के बाद राहुल गांधी उज्जैन की सड़कों पर रोड शो के लिए निकले। महाकाल घाटी से शुरू हुआ रोड शो 24 खंबा, बर्तर बाजार, गोपाल मंदिर, सटी गेट, कंठाल चौराहा, नई सड़क होते हुए देवास गेट पहुंची, जहां पर बीच बीच में राहुल गांधी का फूलों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहीं राहुल गांधी भी लोगों को अभिवादन करते हुए नजर आए। जीतू पटवारी, महेश परमार उनकी गाड़ी पर नजर आए। कमलनाथ महाकाल मंदिर के बाबा नहीं दिखाई दिए। राहुल गांधी के द्वारा दी गई अलग अलग वस्तुओं को लेते नजर आए। कई गुब्बारे, तस्वीर और सोठा लेकर दिख रहे थे। रास्ते में किसान कार्यकर्ता भी चल रहे थे अपनी फसलों को साथ लेकर। बीच बीच में किसी ने उन्हें अपनी बनाई हुई पेंटिंग भी दी, लेकिन वे उन्होंने स्वीकार की। राहुल गांधी के रोड शो में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं जमकर नारेबाजी की। वहीं अलग अलग नेताओं की तख्तियां भी लेकर लोग चलते हुए दिखाई दिए। राहुल गांधी की ऐसी यात्रा में जगह जगह मंच से फूलों की बारिश की गई, लेकिन उनके सुरक्षा कर्मियों ने लोगों को फूल उड़ाने के लिए मना करते नजर आए। राहुल के रोड शो में कुछ लोग हाथों में तिरंगा लिए दिखाई दिए। राहुल ने रोड शो में बच्चियों को भी अपने साथ रखा, जिसमें उनके साथ बुलबुल यादव पूरे समय सभा के दौरान दिखाई दी। वहीं एक छोटी बच्ची से राहुल ने सवाल पूछा कि आखिर इतने अमीरों का नरेंद्र मोदी ने कर्ज माफ किया। राहुल गांधी ने सभा शुरू करते हुए कहा कि पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा थी, देश में नफरत फैलाई जा रही थी, भाई से भाई को लड़ाया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है। इतने अपनी स्पीच रोक कर एक व्यक्ति को अपनी गाड़ी पर चढ़ाया और पूछा कि आपके हाथ में चोट कैसे लगी। उसने अपनी ये बताई और राहुल गांधी ने उस व्यक्ति को बुलाया, अपने गले लगाया, फिर अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि आप सबको सॉरी। फिर उस व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि ऐसे हिंदुस्तान में लाखों लोग हैं। राहुल गांधी ने कहा, इस भारत का मतलब नफरत मिटा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो, और यह काफी आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि यात्रा में चल रहा होता हूँ, जैसे बीजेपी का आज लोग झंडा लिए खड़े थे और चिल्ला रहे थे, और मैं गाड़ी से उतरा और मैंने हाथ मिलाया और मैंने हाथ उनसे पूछा कि, और फिर उन्होंने चिल्लाना बंद कर दिया, फिर मुस्कुराना शुरू कर दिया, और वे जाते समय मुझे फ्लाइंग किस कर रहे थे। आसान होता है कि इतना मुश्किल नहीं होता है कि क्या होता है। जो यात्रा हमने शुरू की कन्याकुमारी तक रोज 30 किलोमीटर चलते थे, यह हिंदुस्तान का प्यार है। जो व्यक्ति हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए लड़ रहा है, जो मुझे बिना कुछ कहे मदद कर रहा है। दूसरी यात्रा हमने क्यों शुरू की, जब हम नॉर्थ ईस्ट में नहीं रह गए तो ये यात्रा जो है इनको एक प्रदेशों में भी जाना चाहिए, इसलिए हमने दूसरी यात्रा शुरू की और मणिपुर से शुरू की। आज मैं यहाँ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। उसमें हमने आप पूछोगे, भैया हिंदुस्तान में आर्थिक अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, सारा के सारा धन दो तीन बड़े बड़े घरानों को पैसा दिया जा रहा है। जैसे अडानी एयरपोर्ट, अडानी रेलवे, अडानी एयरपोर्ट, जहां भी देखो वहां तीन बड़े नाम दिखेंगे, वही दो तीन बड़े नाम दिखेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपका टेस्ट लेना चाहता हूं। चलो, यहां पर पिछड़ा वर्ग के कितने लोग हैं, दलित वर्ग के कितने लोग हैं, आदिवासी वर्ग के कितने लोग हैं, गरीब जनरल वर्ग के लोग कहते हैं हिंदुस्तान के उन बड़े अधिकारियों में दलित नहीं, आदिवासी नहीं, पिछड़ा वर्ग के लोग नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट निकालो जो देश की बजट बताते हैं, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री है, उनमें से पिछड़ा है ना दलित ना आदिवासी, फिर भी अपने साथ बैठी बच्ची से पूछते हैं। बुलबुल यादव, क्या तुम बता सकती हो कि न्यूज चैनल में अगर एक भी एंकर यादव दिख जाए तो आप बता दो मुझे, आपको पिछड़े वर्ग के लोग, दलित लोग, आदिवासी लोग मीडिया में नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ कॉन्ट्रेक्टर की लिस्ट में, लेबर की लिस्ट में यहाँ लोग मिलेंगे। अब इनके पापा को कैसे खत्म करने की कोशिश, पहले जीएसटी, फिर नोटबंदी, और फिर इनके पापा का जो गेस्ट्रो होता है रोक दिया गया। वे बच्ची से कहते हैं, क्या आपके पापा की दुकान है, वो हाँ कहती है। राहुल जी कहते हैं, उसमें अगर अडानी फ्रेंड्स, अंबानी फ्रेश खुल जाए तो क्या होगा, सोचो तुम्हारे पापा को वहां नौकरी करनी पड़ेगी। बुलबुल, आपको सब जगह 20-15 लोग दिखेंगे। इन सब बातों को अंत करते हुए फिर भी अपनी गाड़ी से सभा को जय महाकाल कहते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद राहुल गांधी बड़नगर जाएंगे, इससे पहले वे इंगोरिया में भी रुकेंगे। और न्याय की जो बात है हिंदुस्तान में सफल होता है अपनी मांगों को लेकर, मोदी सरकार लगातार न्याय की आवाज को दबा रही है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, शिक्षा के न्याय और तमाम जाति पाति से ऊपर उठकर देश को न्याय देते हैं।
चाहते हैं कि हमारे लोगों का नाम जुड़े ये राहुल जी के प्रति और न्याय के संघर्ष गोपाल मंदिर, गोपाल मंदिर से सती गेट, कंठाल, भवाना चौक और यहाँ से होते हुए देवास गेट पर भी नुकसान जबरदस्त हमारे नेता को देखने के लिए भी उत्साह है और साथ ही उनके साथ संघर्ष करने का भी उत्साह है। उज्जैन से संवाददाता नीलेश मालवी की खास रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन? अब नो टेंशन, शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।